यस वेलकम बैक स्टैंडर्ड डेविएशन के इंडिविजुअल सीरीज के बारे में हमने डिस्कस किया था और उसी इंडिविजुअल सीरीज का मैं आपको एक इलस्ट्रेशन लेकर के इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ. बोथ ऑफ द फॉर्मूला यूज इन दिस इलस्ट्रेशन. तो यहाँ पर आपके डेज हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डेज इन अ वीक. इनकम जो है 7 दिनों की वो गिवन है. तो डेज का कोई फर्क नहीं पड़ता. इंडिविजुअल सीरीज हो गई डे 1 का 18, 15, 16, 17, 16, 25, 19, 16, 25 और 19. जरा ध्यान दें अब यहां पर हमको केवल और केवल मीन यूज करना है. तो देर इज नो नीड ऑफ एनी असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर इंक्लूसिव सीरीज एक्सक्लूसिव सीरीज. नो 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 देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी वन ऑफ दीज. या कैसा भी सवाल हो हम सीधा सॉल्व करेंगे. कहीं कोई समस्या है ही नहीं. अब पहला मैथड तो हमारा जो है वो डिविएशन लेने का मैथड यानी समीशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन अंडर द रूट. इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा. इसके लिए मुझे सबसे पहले मीन लेना पड़ेगा. मीन सम ऑफ द एक्स अपॉन एन. सम ऑफ द एक्स कीजिएगा ये एक्स है और एन. तो एक्स की जो टोटल है वो है 126. एन कितना है 7. तो 126 अपॉन 7 18. क्या आ गया 18. अब हमें डिविएशन लेना है 18 से. तो डिविएशन फ्रॉम मीन तो यहां पर dx ले लीजिएगा. 18 माइनस 18 क्या है 0. 15 माइनस 18 क्या है माइनस का 3 16. माइनस का 2 17. माइनस का 1 16. माइनस का 1 25. प्लस का 7 19. प्लस का 1. ये ध्यान दीजिएगा कि एक्चुअल मीन से लिए गए डिविएशन का अगर आप सम करेंगे तो 0 ही आएगा. ये यूज नहीं करना है मुझे. ये यूज नहीं करना है मुझे. मुझे डी स्क्वायर करके सम करना है. ये तो डी का सम हो गया. डी एक्स का सम नहीं चाहिए मुझे. डी स्क्वायर स्क्वायर कीजिएगा क्योंकि इस माइनस का भी तो इफेक्ट खत्म करना है मुझे. 0, 9, 4, 1, 1, 59, 1, 50, 9, 10, 65. यहां आया अंडर द रूट 65 डिवाइडेड बाय एन कितना है 7. तो 7, 9, 63, 2, 7, 2, 14, 6, 7, 7, 8, 56 रूट. और रिजल्ट आता है इसका 9.28. तो इसका रूट किया 3.1. राइट नाउ और अब हमें दूसरा फॉर्मूला यूज करना है. दूसरा फॉर्मूला यूज करने के लिए हमारे पास जो एक्स है उसका स्क्वायर है. डायरेक्ट एक्स का क्या करते हो स्क्वायर. तो फॉर्मूला जो है हमारे पास क्या है समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर अंडर द रूट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन. एक्स स्क्वायर कीजिएगा 18 को 18 से मल्टीप्लाई किया अपन ने तो कितना आता 326 24. 324 225 256 और 289. 17 को 17 से करेंगे 289. फिर 256 फिर 625 फिर 19 का किया तो 361 होना चाहिए. 361 और इसका सम कर दीजिएगा. सम किया गया इसका तो कितना आ रहा है 336. ये 23 और ये 36 बस पहुंच गया.
यहाँ इसका सम कितना आया 23 36, एन कितने हैं 7 माइनस सम ऑफ द एक्स कितना है 126/7 का होल स्क्वायर, और यहाँ डिवाइड किया तो 7 21 23 अगेन 7 21 और 26 तो 7 21 और कितना बचा 5 50 7 7 49 1 माइनस एक और कितना आ जाएगा ये 18 और इसका हमें क्या करना है रूट करना है। पहले 35 में 18 बताइए तो कितना आता है 315.71 और रूट करिएगा 315.71 को, सॉरी हमें 18 का स्क्वायर चाहिए, 18 का स्क्वायर लेना था और हमने केवल 18 ले लिया तो गलती हो गई थोड़ी सी, आप ध्यान दें इसे, ऐसी गलती ना करें। 333.71 माइनस 324 ये रहा 324 और रिजल्ट आएगा बताने पर कितना 9.71 देखिएगा, ये भी 9.71 ही है 3.11 9.7 अगेन 65 68 है ये टोटल मिस्टेक है ये 49 50 65 49 50 मतलब यहाँ पर हमें मिस्टेक हो गई 16 16 ये मिस्टेक, ये 2 आएगा ये 4 आएगा ये 68 आएगा 9.7 आएगा, तो थोड़ी सी मिस्टेक है देखें आप हमें यहाँ लिखने में मिस्टेक हो गया ये और यहाँ ये 68 बनेगा 68। यहाँ भी एक्जेक्टली आंसर में कभी भी डिफर नहीं आ सकता है, डिफर आ रहा है तो इसका मतलब किसी न किसी सॉल्यूशन में डिफर है। अब मैं बात करूँ यहाँ से कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट याद करने के लिए ऑफ स्टैंड डिवीजन इज इक्वल टू स्टैंड डिवीजन ऑफ वन क्या चाहिए मीन, और यहाँ स्टैंड डिवीजन आ रहा है 3.11 और मीन आ रहा है 18 3.11 1 18, दैट्स ऑल फॉर द मीन स्टैंडर्ड डिवीजन इन इंडिविजुअल सीरीज। Thank you.